तो आज हम बनाते हैं स्पेशल मूंग दाल का करारा डोसा। तो इसे बनाने के लिए ले लेते हैं 250 ग्राम पनीर। इसे कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। तो पनीर हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे रख देते हैं साइड में। अब ले लेते हैं भीगी हुई साबुत मूंग दाल। इसे हमने 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखा था, अच्छे से धो के ले लिया है। इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो दाल को हमने एकदम से बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। दाल हमारी बहुत अच्छी पिसकर तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो दाल की कंसिस्टेंसी हमें बस इतनी ही रखनी है। अब इसमें डाल देते हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो पेस्ट हमारा पूरी तरह से बनकर रेडी है। डोसा पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के फैला देंगे। इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा देसी घी और इसे क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। तो इसे दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। दूसरी साइड सेकने से और भी क्रिस्पी हो जाएगा। डाल देते हैं पनीर, जो हमने फिलिंग तैयार की थी वही इसमें डाल देंगे। तो डोसा हमारा सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इसे फोल्ड करके प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरीके से सारे डोसा बनाकर तैयार करेंगे। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। तो ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए बने रहिए एंड कुक पे। तो फिर से मिलते हैं किसी स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।